अब्दुल खुदूस टीआरएस पार्टी से 58 डिवीजन से कांटेस्ट कर रहा हूं और सबसे पहले मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे कैंडिडेट बनाया और टीआरएस पार्टी से टिकट दिया। और मैं साथ ही साथ साबिका एमपी कविता साहिबा का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे डिवीज़न में बहुत सारे काम मैं करवाया हूं जिससे मेरे डिवीज़न की आवाम मुझसे मुतमईन है। और फिर भी मैं अपील करता हूं 58 डिवीज़न के आवाम से, मेरे भाइयों से, बहनों से कि मुझे फिर एक बार आप जिताकर मेरे से जो भी काम लेना चाहते हैं बल्दिया का, मैं आपके लिए हमेशा डिवीज़न को डेवलप करने के लिए तैयार रहूँगा। वैसे भी साबिका में मैं कई बोर्ड डलाया, रोड्स बनाया, ड्रेन्स बनाया, एलईडी लाइट्स लगाया और जो जो भी मेरे से हुआ मैं पूरा जो है तकरीबन काम डिवीज़न का पूरा करा हूँ। और उसके साथ साथ यूनानी दवाखाने का काम भी हमारे पीरियड में हुआ है जो सेंट्रल से फंड आया और मेरे पीरियड में हुआ। और मैं सोशल वर्क करते हुए अपने सोसाइटी ताज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो है सो अपने मुफ्त टेलरिंग सेंटर का क्याम अमल में लाते हुए, वो भी जो है सो गरीब लड़कियों के लिए टेलरिंग सिखाने का काम अंजाम दिया जा रहा है, उससे भी कई लड़कियां मुस्तफिद हो रहे हैं और अपने पैर पर ठहर रहे हैं। कि जो टीआरएस का कैंडिडेट है, जो गवर्नमेंट का कारपोरेटर रहेगा, जिसके साथ एमएलए साहब रहेंगे, सीएम रहेंगे, तो एमएलए साहब भी मुझे बुलाकर बोले हैं कि आप अपनी तरफ से पब्लिक में ये ऐलान करिए, बोलिए कि आपके डिवीज़न में जो भी काम रहेगा मैं अपने जाती फंड से उसको पूरा कराऊंगा और कोई काम को मैं पूरे काम को मुकल में कराऊंगा, ये एमएलए साहब भी मुझसे जिक्र किए हैं। और मैं भी चाहता हूं कि भाई एक कारपोरेटर और एमएलए का साथ रहा तो हम लोग हमारे डिवीज़न को डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ सारे निज़ामबाद को भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अपोजिशन पार्टियां एनआरसी सीएए के को बोलते हुए उसको पब्लिक को डराते हुए वोट लेने की कोशिश कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए जबकि असदुद्दीन साहब के साथ उलमाए दीन और मशायखीन की एक मीटिंग हुई सीएम साहब के पास, तो सीएम साहब ने तहकुन दिया कि मैं जब तक रहूँगा जो सेकुलर हुकूमत रहेगी हमारे पास स्टेट में और मैं कभी एनआरसी और सीएए को नाफिस होने नहीं दूंगा, बल्कि ये सीएम साहब का स्टेटमेंट है। ये असदुद्दीन साहब को भी यह बात मालूम है और उलमाएदीन मशायखीन को भी यह बात मालूम है। मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि केटीआर साहब और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब दो रोज पहले पेपर स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारे स्टेट में एनआरसी और सीएए कभी नाफिस नहीं होगी और हम लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और हम लोग हमारे पार्लियामेंट में भी इंडिया की पार्लियामेंट में भी उसके खिलाफ वोट दिए हैं और हम कभी नहीं चाहते कि हमारे तेलंगाना में यह नाफिस हो और सख्ती से हम इसके ऊपर अमल करेंगे। ये तहकुन है हमारे केटीआर साहब का और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का। तो मैं अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि लोगों के बहकावे में मत आइए और उनके बातों से आकर गलत काम मत करिए, सिर्फ और सिर्फ टीआरएस पार्टी को वोट दीजिए और टीआरएस के सारे कैंडिडेट को जिताइए, कार के निशान को वोट दीजिए। मैं फिर एक बार 58 डिवीज़न के अवाम से, मेरे भाइयों से, बहनों से अपील करता हूँ कि मुझे वोट देकर कामयाब बनाइए और मेरे से जो भी काम लेना है बल्दिया का आप ले सकते हैं। खुदा हाफिज़, जय तेलंगाना। रियायती फीस में हमारे यहाँ हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज, भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज्द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल व दिगर अमराज के इलाज के लिए 17 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से फायदा हासिल करें। हामिला खवातीन की सेहत के लिए BP, शुगर, पानी की कमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रक्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस आपरेशन थिएटर, लैब व फार्मेसी की सहूलियत दस्तयाब है।
मैटरनिटी, गायनेकोलॉजी, इन्फर्टिलिटी, लेप्रोस्कोपी वो एडवांस टेक्नोलॉजी से आ रास्ता हॉस्पिटल नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन डिलीवरी की सहूलियत हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। खुसूसी ऐलान हर जुमा को मुफ्त तशखीस से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए रीइंबर्समेंट की सहूलत हमारे यहाँ फराहम की जाती है। हमारा पता भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल नजद राजीव गांधी ऑडिटोरियम रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक खलीलवाड़ी निजामाबाद। लजीज व ज़ायक़ेदार मिठाई का वाहिद मरकज महाराजा स्वीट्स आरपी रोड निज़ामाबाद, जहां पर आपको मलाई चमचम, रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फी, खलाखन, पेड़ा, नाम रखई के लड्डू, खारा घाटी, खारी बूंदी वो हम अकसाम की आपकी मनपसंद मिठाई लजीज व ज़ायक़े से भरपूर जो आपकी शादी और दीगर तकारीबात को चार चांद लगा दे वो सिर्फ महाराजा स्वीट होम पर दस्तियाब है। तो देर किस बात की, फौरन तशरीफ लाए। हमारा पता महाराजा स्वीट्स आरपी रोड निजामाबाद।